गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ा था और उसमें आपको हमने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और इसके पार्ट्स के बारे में बताया था। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अपने फर्स्ट पेपर के यूनिट 5 में है, दैट इज़ लिटरेरी टर्म। तो हमारे सिलेबस में बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं और आज से हम वन बाय वन करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स में। पहले नंबर पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोनेट। तो बच्चों, आपने 10th या 9th क्लास में सोनेट के बारे में पढ़ा होगा और वहाँ भी आपने यही चीज़ पढ़ा होगा कि सोनेट क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट क्या है? एक छोटी सी पोएम है 14 लाइन्स की, 14 लाइन्स की एक छोटी सी पोएम है दैट हैज़ फिक्स्ड राइम स्कीम, जिसके पास अपने खुद की एक राइम स्कीम होती है। तो आपने पढ़ा कि सोनेट क्या है। सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद फिक्स्ड राइम स्कीम, इसके पास फिक्स राइम स्कीम होती है। तो 14 लाइन की पोएम को हम सोनेट कहते हैं। अब बच्चों, हम बात करें राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम के लिए एक छोटा सा यहाँ एक बॉक्स बना रखा है, मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, राइम स्कीम क्या होता है? हर लाइन के जो लास्ट वर्ड होता है, द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इन द सोनेट, उसकी बात करें तो उसमें हम लास्ट वर्ड की बात करें तो देखो, जैसे 4 लाइन्स मैंने लिख रखी हैं किसी पोएम की, तो उसमें लास्ट वर्ड फर्स्ट लाइन का क्या है? लैम्प। दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्नो। थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड है वेंट एंड फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड है गो। तो राइम स्कीम समझने के लिए हमें पोएम की लास्ट वर्ड को, हर एक लाइन के लास्ट वर्ड के ऊपर हमें फोकस करना होता है। हाउ टू प्रोनंस दैट वर्ड, मतलब राइम स्कीम प्रोनंसिएशन बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे पहली लाइन में लास्ट वर्ड है हमारे लैम्ब, हमने इसको राइमिंग में अगर देना स्टार्ट करें तो हमने इसको नाम दे दिया ए, इसका राइम स्कीम हमने नाम दे दिया ए। दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड है बच्चों स्नो, स्नो, तो हमारे प्रोनंस में देखो, यहाँ हम बोल रहे हैं लैम्ब, यहाँ बोल रहे हैं स्नो, क्या मैच कर रहा है क्या दोनों का प्रोनंसिएशन? नहीं ना। जब दोनों का प्रोनंसिएशन नहीं मैच करे, डिफरेंट आए, तो उसको डिफरेंट नाम दिया जाता है। तो इसको हम दूसरा नाम दे देंगे और ए के आगे हमने नाम दे दिया इसको बी। फिर हम तीसरी लाइन के लास्ट वर्ड की बात करें बच्चों, तीसरे लाइन में लास्ट वर्ड है वेंट, तो क्या ये ऊपर वाले लास्ट वर्ड से किसी से मैच कर रहा है उसके प्रोनाउंसिएशन से? ये क्या सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं क्या सेम तीनों, या कोई भी दो? नहीं ना। तो ये भी डिफरेंट आ रहा है ऊपर वालों से, तो हम इसको अलग नाम दे देंगे, या मतलब डिफरेंट नाम इसको भी देंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया सी। फिर हमने फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ है गो, तो एक बार हम ऊपर वाले में देख लेते हैं, अपने ऊपर की तीनों लाइन्स में कोई सा ऐसा लास्ट वर्ड है जो इसके जैसा प्रोनंस हो रहा है, तो लैम्ब ये गो नहीं, स्नो और गो, यहाँ देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं, यहाँ स्नो और यहाँ गो, तो इनका प्रोनंसिएशन मैच कर रहा है, तो हम इसको सेम नाम देंगे बच्चों। तो इसको हमने बी नाम दिया था, तो इसको भी हमने नाम दे दिया बी। तो ये हुआ राइम स्कीम। इन चार लाइन की राइम स्कीम क्या बन के आई? ए बी सी बी। इट मीन्स जो वर्ड एक जैसा प्रोनंस हो उनकी राइमिंग सेम हो जाएगी, और जब डिफरेंट प्रोनंस हो तो उनकी राइमिंग डिफरेंट रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सोनेट की। तो हमने अभी पढ़ा था सोनेट क्या है, कि एक छोटी सी पोएम है, ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन की एक छोटी सी पोएम है जिसके पास अपनी फिक्स राइम स्कीम होती है। ठीक है, अब बच्चों सोनेट जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। सोनेट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इटालियन सोनेट,
इसी को हम पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं, इसी को हम मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इटली में ओरिजिनेट हुई थी, मतलब इटली में आई थी। पेट्राकन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेट्राक था, पोएट पेट्राक, इसने इस टाइप के पोएम को या इस टाइप के सोनेट को बहुत ज़्यादा लिखा था, इसलिए इसको पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो किया था मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने, इसलिए इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया सोनेट है 14 लाइन की पोएम, तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो मिल्टोनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट या इटालियन सोनेट की बात करें तो इसमें ये जो 14 लाइंस होती हैं बच्चों, ये कैसे डिवाइड होती हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है ऑक्टेव और दूसरा पार्ट है सेस्टेट। मतलब ये कि इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट या पेट्राकन सोनेट की जो 14 लाइंस होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट कहलाता है उसका ऑक्टेव और दूसरा पार्ट कहलाता है सेस्टेट। ऑक्टेव में क्या होता है बच्चों, ऑक्टेव क्या है, अ ग्रुप ऑफ 8 लाइंस। मतलब इन 14 लाइंस में से 8 लाइन का एक ग्रुप निकल के यहाँ आ जाता है और उसको कहते हैं ऑक्टेव। मतलब 8 लाइन के ग्रुप को ऑक्टेव कह दिया और सेस्टेट को ग्रुप ऑफ 6 लाइंस। सेस्टेट में क्या हो गया, 6 लाइंस का ग्रुप बन गया। तो अब आप इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो देखिए टोटल 14 लाइन निकल के आता है। तो मिल्टोनिक सोनेट या इटालियन सोनेट में हमने क्या देखा कि इस सोनेट की जो 14 लाइंस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज ऑक्टेव एंड द सेकंड वन इज सेस्टेट। ऑक्टेव इज अ ग्रुप ऑफ 8 लाइंस एंड सेस्टेट इज अ ग्रुप ऑफ 6 लाइंस। एंड व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दीज टू, तो अब हम इनकी राइम स्कीम की बात करें तो बच्चों देखो ये 8 लाइन की राइमिंग क्या बनेगी, देखो ए बी बी ए, मतलब लास्ट में जो प्रोनंस होते हैं वो बन रहा है इसका ए बी बी ए, शुरू की 4 लाइंस। कौन से पार्ट में, ऑक्टेव पार्ट में। ऑक्टेव पार्ट में शुरू की 4 लाइंस का राइमिंग स्कीम क्या बन गया, ए बी बी ए। इसी तरह से अगली जो 4 लाइन आएंगी उसमें भी ए बी बी ए, मतलब 4 लाइन इधर और 4 लाइन इधर, ये दोनों मिलकर के अपनी 8 लाइन बन गई। तो इट मीन्स ऑक्टेव पार्ट के जो 8 लाइंस हैं इनकी राइमिंग स्कीम क्या बन के आई, ए बी बी ए, ए बी बी ए। ओके, अब हम चलते हैं सेस्टेट पार्ट पे। सेस्टेट पार्ट की जो 6 लाइंस हैं बच्चों इनकी राइमिंग स्कीम क्या बन के आती है, सी डी ई सी डी ई। देखो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, टोटल 6 हो गए। तो सेस्टेट पार्ट में सी डी ई सी डी ई। बट बच्चों जो इटालियन सोनेट है या जो मिल्टोनिक सोनेट है उसमें जो सेस्टेट पार्ट होता है उसकी राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। तो कई बार हमें यहाँ पे सी डी ई और सी डी सी भी देखने को मिल जाती है। तो इट मीन्स कि इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं होती किसकी, सेस्टेट पार्ट की। तो हमने देख लिया बच्चों इटालियन सोनेट हो चाहे पेट्राकन सोनेट हो चाहे मिल्टोनिक सोनेट हो, इसकी जो 14 लाइंस होती हैं या 14 लाइंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज ऑक्टेव एंड सेकंड पार्ट इज सेस्टेट। और ऑक्टेव क्या हो गया, 8 लाइंस का एक ग्रुप है। सेस्टेट क्या हो गया, 6 लाइन का एक ग्रुप है। ऑक्टेव पार्ट की राइमिंग स्कीम क्या बन के आई, ए बी बी ए, ए बी बी ए। और सेस्टेट पार्ट की सी डी ई सी डी ई या सी डी ई सी डी सी। ओके बच्चों, तो हमने अभी डिस्कस किया इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट। सेकेंड पार्ट जो अपना सोनेट का है, जो सेकेंड टाइप है सोनेट का, वो है अपना इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो इंग्लिश सोनेट इंग्लैंड में इसका प्रचलन था, इंग्लैंड में ही आया इसलिए इसको इंग्लिश सोनेट, और शेक्सपियर ने इस पर सबसे ज़्यादा सोनेट्स लिखे तो इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। अब जैसे इसकी 14 लाइंस दो पार्ट्स में डिवाइड थे उसी तरह से इसकी भी 14 लाइंस डिवाइड होंगी। तो ये देखिए इसकी 14 लाइंस कैसे डिवाइड हो रही हैं, इसकी 14 लाइंस 3 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है बच्चों, ए ग्रुप ऑफ 4 लाइंस। जैसे यहाँ ऑक्टेव था 8 लाइंस का ग्रुप था, उसी तरह से एक क्वाड्रेंट्स में 4 लाइंस होते हैं। तो इट मीन्स ये 3 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, इट मीन्स ये कितने में, 4 × 3 टोटल कितने हो गए, 12 लाइंस। तो 3 क्वाड्रेंट्स मतलब 12 लाइंस का एक ग्रुप इधर हो गया और एक कपलेट। कपलेट क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कपल, तो कपलेट मतलब दो, तो ग्रुप ऑफ 2 लाइंस।
तो आप देख लीजिए, थ्री क्वेटन्स ग्रुप ऑफ फोर लाइन्स, मतलब 12 लाइन्स इधर हो गए, तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या बन के आ रही है? तो देखिए, ए बी ए बी, ये शुरू की चार लाइन्स की राइमिंग स्कीम हो गई। फिर अगली चार लाइन सी डी सी डी, ये नेक्स्ट फोर लाइन्स की राइमिंग स्कीम हो गई। और उससे नेक्स्ट फोर लाइन्स ई एफ ई एफ, ये अगली फोर लाइन्स की राइमिंग स्कीम हो गई। तो आपने देखा फोर फोर लाइन्स के वन क्वेटन्स, सेकेंड क्वेटन और थर्ड क्वेटन, ये तीन क्वेटन्स बन गए फोर फोर लाइन्स के। और एक कैपलेट, एक कपलेट जो बन रहा है अपना टू लाइन्स का, उसकी राइमिंग स्कीम बन के आ रही है जी जी। तो आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की जो 14 लाइन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। एक तो है क्वेटन्स जो फोर लाइन्स का ग्रुप है, और ये थ्री क्वेटन्स में है, और एक कपलेट में डिवाइड हो रही है जो कि दो लाइन्स का ग्रुप है। इनकी राइमिंग स्कीम की बात कर ले तो जो थ्री क्वेटन्स वाली लाइन इसकी राइम स्कीम है, या ये जो 12 लाइन की जो राइम स्कीम है शुरू की, वो है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और जी जी लास्ट में कपलेट की। ठीक है, कपलेट की राइमिंग स्कीम क्या हो गई जी जी। अब हम बात करते हैं जो अपना सेकेंड लिटरेरी टर्म है, वो है लिरिक। तो लिरिक क्या है बच्चों? तो देखो बच्चों, लिरिक जो एक वर्ड है लायर, एक वर्ड है लायर, और लायर का मतलब होता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लायर वर्ड का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो लायर वर्ड से बना है लिरिक। इट मींस यहां पे म्यूजिक जैसी चीज या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी चीज होंगी। तो देखते हैं क्या है ये, कि इट इज ए पोयम दैट इज संग विद द हेल्प ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी मैंने आपको बताया लिरिक किससे बना है, लायर। लायर का मतलब हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक ऐसी पोयम जो किसकी हेल्प के साथ गाया जा रहा है, या किसकी हेल्प के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो क्या कहलाती है, लिरिक। कई बार आप लोग देखते हो ना कि आपके यहाँ कोई मांगने वाले आते हैं या कुछ करने आते हैं, वो एक वाद्य यंत्र लेके आते हैं, वो बजाते रहते हैं और मांगते रहते हैं, तो वो लिरिक का काम कर रहे हैं, वो लिरिक गा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में और बात करें, लिरिक क्यों यूज किया जाता है या क्या है ये, तो इट इज़ अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग और मूड। लिरिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने मूड को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ब्रीफली, संक्षिप्त में, ज़्यादा बड़े में नहीं। अगर हम ज़्यादा बड़ा करने लग जाएंगे तो नरेटिव टाइप में हो जाएगा, वो बैलेड में चल जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं लिरिक की। तो लिरिक क्या है, एक शॉर्ट पोएम है जो कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जाता है, और ये हमारे फीलिंग्स को, हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है शॉर्ट फॉर्म में। तो बच्चों, आज हमने इन दो लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सोनेट 14 लाइंस, जो कि टू टाइप ऑफ सोनेट भी हमने डिस्कस किया, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। और फिर हमने दूसरे लिटरेरी टर्म की बात की, वो है लिरिक, जो कि एक छोटी सी पोयम जो कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रेजेंट की जाती है। तो बच्चों, आज के क्लास में बस यही दो लिटरेरी टर्म्स। अगली क्लास में हम इसके आगे के लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।